Hello dear students, let us start with a new chapter of 10th mathematics. It is chapter number 14, statistics. Sir, humne ye chapter 9th standard mein pad liya hai. Okay, so it shows ki aapka memory bahut sharp hai. Aapko yaad hai ki is chapter ko aap 9th standard se pehchante hain. तो मैं आपको बताता हूं इस चैप्टर को आप 9th स्टैंडर्ड से नहीं पहचानते जब से हम आप हमारे सारे बड़े या इस दुनिया का पहला इंसान इस धरती पे आया तब से वो इस सब्जेक्ट को जानते हैं सर ये सब्जेक्ट नहीं चैप्टर है ओके दिस इज द ईयर इन व्हिच दिस इज द चैप्टर इन कमिंग इयर्स दिस इज गोइंग टू बिकम अ सब्जेक्ट All of you, statistics is a subject in 11th, 12th commerce and it has got really practically, really bahut zyada sa importance in practical life. Okay, so before I begin with 10th standard statistics chapter number 14, main aapko thoda briefly samjhana chahunga ki ye chapter, ye subject kya hai. Okay, the word statistics in English, in vernacular, you call it Ankara Shastra. हिंदी में इसे कहते हैं अंक शास्त्र सो व्हेन यू से अंक शास्त्र सर आप हिंदी में क्यों बता रहे हैं या गुजराती में क्यों बता रहे हैं इंग्लिश में बताइए स्टैटिस्टिक्स क्या होता है आई विल कम टू दैट आल्सो तो बोले तो अंक शास्त्र जो हिंदी वर्ड है उसका मतलब होता है शास्त्र नॉलेज ऑफ अंक दैट इज नंबर्स व्हेन यू कॉल इट आंकड़ा शास्त्र इन गुजराती इट इज अगेन साइंस व्हिच deals with numbers. So numbers ki science ho, usse ankra shastra kehte hai, ank shastra kehte hai, English mein statistics kehte hai. Zara abhi English wale ka naam batao, statistics naam kaise padha? Aha, suno, suno, suno. To bole to, Latin language mein se word aata hai, matlab wahi nikalta hai, science which deals with numbers. Sir, ye numbers ke saath deal karke hume kya milega? Fine, I'll tell you, आप देखते हैं आजकल बताया आसपास में बहुत सारी चीजें जिनमें numbers numbers ही numbers होते हैं बोले तो आप बता दे वैंस मूवी सक्सेसफुल तो यू से कि बोले तो उसके कितने मिलियन अर्निंग हुआ है इट्स अ नंबर होगा तो ओके व्हेन यू से सम यूट्यूब वीडियो इज वेरी अप्रिशिएटेड ग्लोबली पूरी दुनिया में उसको अप्रिशिएट किया है तो यू से नंबर ऑफ व्यूज तो नंबर ऑफ व्यूज कितने मिलियन हो गए फर्स्ट डे में वो देख के आप बताते हैं कि वो कितना कामयाब है ओके व्हेन यू से पॉपुलैरिटी ऑफ सम स्टार जब आप किसी बंदे का पॉपुलैरिटी बताते हो तो उसमें भी आप बताते हो कि वो बंदे के कितने फॉलोअर है कितने लोग उसे फॉलो करते हैं कितने लोग उसका इंस्टाग्राम पेज पे फेसबुक पेज के उसको लाइक करे हुए हैं कितना मिलियन पीपल आर फॉलोइंग हिम और हर तो उसमें से पता चलता है कि वो बंदा कितना पॉपुलर है पक्का तो बोले दो हम नंबर से गिरे हुए हैं हमारे सारे दिशाओं में हम जब देखें तो हमें नंबर्स नंबर्स एंड नंबर्स ही दिखेंगे फाइन सो स्टैटिस्टिक्स इज द सब्जेक्ट विच डील्स विद नंबर्स फाइन सो अब हम बात करेंगे हमने 9th स्टैंडर्ड में क्या सीखा था और अब यहाँ क्या सीखने वाले हैं यू नो जब कोई भी काम किया जाए तो वो काम को करने के पहले अगर ये पहचान लिया जाए कि ये काम हम क्यों कर रहे हैं Why are we doing this? हम ये काम क्यों कर रहे हैं अगर हम ये पहचान लेते हैं तो वो काम करने का मजा ही कुछ अलग होता है ओके पक्का पक्का श्योर तो बोले तो हम नंबर्स से चारों तरफ पकड़े हुए हैं नंबर्स ने हमको सब तरह से पकड़ रखा है तो हम नंबर्स की जब स्टडी करते हैं तो सपोज समवन आस्क यू कि बताइए कि आपके बोले तो एरिया में पर फैमिली कितने बच्चे हैं सो सिंपल स्टडी पक्का तो आप बताएंगे किसी के घर में नहीं है जीरो बच्चा है एकदम फाइन फिर किसी के यहाँ वन है किसी के यहाँ टू है किसी के यहाँ थ्री है किसी के यहाँ उससे भी बड़ी बातें हैं लंबी बातें हैं तो फाइन अब इस तरह से आप 30 हाउस होल्ड का अगर डेटा इकट्ठा कर आते हैं तो आपके पास 30 नंबर्स आ जाते हैं यू नो इस तरह से आप अगर डेटा इकट्ठा करते हैं तो आपके पास कुछ ऐसे नंबर्स होंगे लाइक यू नो 0 1 2 1 1 2 3 1 2 3 1 4 3 1 इस तरह से बहुत सारा डेटा आएगा तो दिस इज स्टैटिस्टिक्स यू नो सर अब ये नंबर ऑफ चिल्ड्रन जान के हम क्या करेंगे चलो एक काम करते हैं नंबर ऑफ चिल्ड्रन को साइड में रखते हैं तुम्हारे काम की कोई बात करते हैं सपोज हम तो है भाई पार्टी तो हम अपने फ्रेंड्स को अपने बर्थडे पर देने चाहते हैं पार्टी तो मैं ऐसी पार्टी देना चाहता हूं कि मेरे सारे फ्रेंड्स कहें
कि भाई तूने तो जोरदार पार्टी दी है. सो यू नो आई आस्क्ड एवरीवन कि क्या खाओगे बताओ, क्या खाओगे बताओ. यू नो आई कैन मेक ए टेबल इस तरह से कि यू नो पिज्जा, तो मेरे बोले तो माय सिक्स फ्रेंड्स आर सेइंग आई वांट पिज्जा, तो पिज्जा का पार्टी रखना. यू नो कुछ कह रहे हैं पिज्जा विज्जा नहीं चाहिए, यू नो बर्गर ये सब चाहिए, तो बोले तो मेरे ऐसे सात फ्रेंड हैं जो बोलते हैं बर्गर फ्रेंच फ्राइज कोल्ड ड्रिंक इस तरह की चीजें खिला दे यार, पिज्जा विज्जा नहीं चाहिए. ओके फाइन, अब मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं एकदम अलग ही, तो बोलते हैं ये इटालियन विटालियन बहुत खा लिया, आप थोड़ा मैक्सिकन खिला दे. मैं कहा यार मैक्सिकन की स्पेलिंग आती है, तो मैक्सिकन कितना खाना है, चलो ठीक है ठीक है. तो आठ लोग ऐसे मैक्सिकन बोल रहे. अब मेरे कुछ बोले प्यारे से बच्चे मेरे फ्रेंड्स बोल रहे, तो बोले यार साउथ इंडियन खिला दे. सर आज के ज़माने में साउथ इंडियन कौन खाते हैं, हम आप सब खाते हैं यार. तो इस तरह यू नो इफ़ यू मेक अ टेबल लाइक दिस, तो यू कैन कम टू नो कितने दोस्त क्या कब कैसा खाना चाहते हैं, आपके कितने दोस्त क्या खाना चाहते हैं, यू कैन कम टू नो बाय सीइंग दिस टेबल. सो सिमिलरली अब हम इस एग्जांपल को साइड में रखेंगे. अब अगर हम इसी तरह से कुछ ऐसा बनाएं कि यू नो कि कितने घरों में कितने बच्चे हैं, तो यू नो नंबर ऑफ चिल्ड्रंस आर 0, 1, 2, 3, 4, तो इट इज़ नंबर ऑफ चिल्ड्रन पक्का पक्का. तो हम इसके हिसाब से बताइए क्या, तो इसके हिसाब से हम नंबर ऑफ फैमिलीज आइडेंटिफाई कर सकते हैं. ठीक है, तो नंबर ऑफ फैमिली 0 बच्चे वाली एक ही फैमिली है, फिर 1 चाइल्ड वाली 1, 2, 3, 4, 5, 6 फैमिलीज है, 2 चिल्ड्रन वाला तो बोले तो 1, 2, 3 फैमिलीज है. इस तरह से कोई आगे पूरा टेबल बना सकता है पक्का. तो सर टेबल बना के क्या मिलेगा, ऑल ऑफ यू आप बड़े स्मार्ट हो, आप क्वेश्चंस तो बड़े अच्छे पूछते हो, तो बोले तो टेबल बना के क्या मिलेगा, तो टेबल बना के एनालिसिस कर सकते हैं. सपोज यू वांट टू नो एवरेज, सर एवरेज क्या होता है, हम आ रहे हैं उसी टॉपिक पे अभी, बोले तो हम उसी टॉपिक पे अभी आ रहे हैं थोड़ी देर में, तो मैं बताता हूँ. सपोज यू वांट टू नो एवरेज, सपोज यू वांट टू नो सबकी ऑलमोस्ट पसंद क्या है, आई सेड सबकी ऑलमोस्ट पसंद क्या है. हम जानना चाहते हैं मिडिल मेजोरिटी पीपल क्या चाहते हैं, ऐसी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जिनका हमें आंसर देना होता है. तो बोले तो उसके लिए डेटा इस तरह से अरेंज किया हुआ होना बहुत जरूरी है. तो बोले तो जब बोले तो हमने बोला आंकड़ा शास्त्र इज अ साइंस, इट्स अ सब्जेक्ट विच डील्स विद नंबर्स, तो हमारे पास बहुत सारे नंबर्स होंगे. इट्स आंकड़ा शास्त्र का बिगिनिंग, स्टैटिस्टिक्स का बिगिनिंग पक्का पक्का. बोले तो ये बहुत सारे नंबर्स अपने पास हैं, तो अब उसमें से हम टेबल बना सकते हैं. तो इस तरह से टेबल बन जाएगा, तो डेटा थोड़ा इजीली समझ पड़ेगा पक्का पक्का. तो बोले डेटा बहुत इजीली समझ पड़ेगा. अब कुछ लोग होते हैं जो बोले तो सेमी लिटरेट और इलिटरेट या मे बी नहीं इलिटरेट हमारे जैसे, बट उनको समझाने के लिए इजी प्रेजेंटेशन के लिए हम इस तरह से कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं पक्का पक्का. तो वो भी एक स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है. और अब मैं आपको एक प्रैक्टिकल केस सिखा के हम सिंगल नंबर पे क्यों जाएंगे वो सिखा देता हूँ. फाइन लेट्स सी हियर, सुनिएगा. जैसे मैं आपको 10th स्टैंडर्ड में पढ़ाने के पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपका 9th स्टैंडर्ड का रिजल्ट कैसा था. तो मैं किसी बच्चे को पूछा तो बोले कि सर 9th स्टैंडर्ड लिखिए सर, आई हैव इंग्लिश इन द सब्जेक्ट थियो, यू नो आई हैड दैट सोशल साइंस सब्जेक्ट थियो पक्का. फिर बोले सर आई हैड वन अनदर सब्जेक्ट हिंदी, मेगा बढ़िया. बोले सर आई हैड दैट मैथमेटिक्स, मैं बोले तो मेरे पास मैथमेटिक्स मैथ्स का सब्जेक्ट हुआ करता था, यू नो सोशल स्टडीज करके एक सब्जेक्ट होता था. तो सर इतने सारे सब्जेक्ट होते थे, तो सर आप लिख लीजिए ना मैं आपको रिजल्ट बताता हूँ. इंग्लिश आई हैड 78, सोशल साइंस आई हैड 75, हिंदी आई हैड 70, मैथ्स आई स्कोर्ड 80, सोशल स्टडीज आई स्कोर्ड 65. तो मैं कहा वाह बेटा वाह, आज तो तूने 5 सब्जेक्ट के मार्क्स बता दिए. मैं इसमें से अंदाजा लगा लेता हूँ कि तू 70-80 के बीच में परसेंटेज लाने वाले बच्चों में से है. बट यू नो जब आपको कोई रिजल्ट पूछता है तो क्या आप उसको इस तरह से टेबल बताते हो, तो आंसर इज नो. आंसर इज नो 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 नो. तो बोले तो जब आपको कोई भी बंदा कोई भी पर्सन आपसे पूछता है कि आपका रिजल्ट क्या है, तो योर आंसर हैज टू बी आई गॉट दिस ग्रेड,
I got this much percentage. मैंने इतना परसेंटेज लाया है, मेरा ग्रेड ये वाला आया है, मैं इतना परसेंटेज लाया हूँ. तो बोले तो रिजल्ट ऐसे बताते थे, ऑल ऑफ यू आप हमेशा सिंगल नंबर रिप्रेजेंट करते हो, एक नंबर बताते हो, ऐसी टेबलें नहीं बनाते. तो यू नो टेबल मेकिंग इज वन ऑफ द स्टेज ऑफ स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी. उसके बाद सिंगल नंबर लाया जाता है विच ऑलमोस्ट रिप्रेजेंट्स द डेटा. तो बोले तो अब हम अपने काम पे आ चुके हैं. सर अपने काम पे आ चुके हैं मतलब अब मैं आपको बताऊंगा हाउ 9th एंड 10th आर कनेक्टेड एंड हाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड एंड देन वी विल प्रोसीड. ऑल ऑफ यू मैं आपको एक प्रॉमिस देता हूं कि अब आज के इस वीडियो के साथ और आने वाले कुछ और वीडियोस के साथ अगर आप सही से जुड़े रहे और आपने वो वीडियोस को सही से देख लिया तो बोले तो इस चैप्टर के बोर्ड के सारे मार्क्स आपके पॉकेट में होंगे पक्का मस्त. तो सुनो ऑल ऑफ यू स्टैटिस्टिक्स इट्स अ सब्जेक्ट विच डील्स विद नंबर्स. तो नंबर्स की स्टडी करने के लिए देयर इज अ चैप्टर कॉल्ड कलेक्शन ऑफ डेटा. तो डेटा को कलेक्ट किया जाता है, तो चलो वो हो चुका, वो हमको नहीं पढ़ना. फाइन, नंबर्स को कलेक्ट किया जाता है अलग अलग सोर्सेज से, बहुत सारी जगह से नंबर्स को लाया जाता है. फिर आता है क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा. हाँ, वो बोले तो ये आपने 9th स्टैंडर्ड में सीख लिया है. सर क्या बात करते हैं, बिल्कुल. तो बोले तो आपको बहुत सारी एक्स दी हुई होती थी और आप इस तरह से एक्स आई और एफ आई के कॉलम बनाते थे कि दिस इज द वैल्यू, दिस शोज हाउ मेनी टाइम्स अ वैल्यू इज रिपीटेड. तो फ्रिक्वेंसी बताता है कि कोई नंबर कितनी बार रिपीटेड है, वो आप बना चुके पक्का पक्का. फिर क्या रहेगा, जब इस तरह से बहुत सारे एक्स दिए हुए होते हैं सो इट बिकम्स डिफिकल्ट टू मेक दिस एक्स आई एफ आई टेबल. सपोज मैं आपको याद दिला दूं, एक्स आई एफ आई का टेबल बनाने में मिनिमम वैल्यू वॉज 0, मैक्सिमम वैल्यू वॉज 4, तो हमने बना दिया 0 1 2 3 4. इजी. तो 0 1 2 3 4 इजी पक्का. बट बोले तो मिनिमम वैल्यू इज 5, मैक्सिमम वैल्यू इज 95. बनाओ ऐसा टेबल बनाओ 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ऐसे 95 तक. नहीं, आपको चक्कर आ जाएंगे टेबल बनाते हुए. तो सर हम क्या करें, हम इसके क्लासेस बनाएंगे, हम वो सीख के आए हैं. सर हम 9th स्टैंडर्ड पास है. मुझे पता है, तभी तो बोलता हूँ बेटा आप सीख के आए हो 9th स्टैंडर्ड में ये. तो बोले तो इस तरह से क्लासेस बनते हैं 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50. बोले तो इस तरह से फिर लास्ट आएगा 80 to 90, 90 to 100 पक्का. तो ये दूसरा क्लासिफिकेशन होता है पक्का. चलो इस तरह का क्लासिफिकेशन हो जाने के बाद, अब काम आता है कि ये टेबल के लिए सिंगल रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू चाहिए. पक्का श्योर अंडरस्टूड. तो मैं आपके सामने इसका एक केस रिप्रेजेंट करता हूं पक्का. सपोज अब आप देखिएगा, आपको बहुत मजा आएगा. नाउ सपोज देयर आर द वैल्यूज एक्स आई, ठीक है श्योर. एंड सपोज आई हैव कलेक्टेड द डेटा अबाउट कि हमारे क्लास में लास्ट 7 डेज में कितने बच्चे एब्सेंट रहे थे. इट इज नंबर ऑफ एब्सेंट स्टूडेंट्स ड्यूरिंग द लास्ट 7 डेज पक्का. तो नंबर कुछ ऐसा आ रहा है, 2 students were absent on some day, then 3, then 2, then 4, then maybe 3, then 2, then 5. हो गए क्या? हाँ हो गए 7 number हो गए. क्या बात. तो चलो अरेंज हो गया, 7 number अरेंज हो गए. ओके लिखे हुए. अब ये दिखा रहा है नंबर ऑफ एब्सेंट स्टूडेंट्स ऑन डिफरेंट डेज. अब मैं इसका एक सिंगल रिप्रेजेंटेटिव नंबर जानना चाहता हूँ. तो एक रहेगा बताए क्या, सबसे सिंपल एवरेज बताओ ना, लगभग रोज कितने बच्चे एब्सेंट रहते थे. एवरेज. तो दुनिया में 3 तरह की एवरेज होती है. एक एवरेज होता है कैसा बताओ, एक होता है मीन. सर ये मीन क्या होता है, मीन दुनिया का सबसे प्यारा एवरेज है. उसका फॉर्मूला है सिग्मा एक्स आई बाई एन.
सर सिग्मा एक्स है सर, हाँ ये याद है सर, याद है 9th स्टैंडर्ड में देख के हम इसको, हमारे फ्रेंड है, हम इसको पहचानते हैं. वेरी गुड, अच्छी बात है, आप इसको पहचानते हो, ये आपकी फ्रेंड है, बहुत ही शानदार. तो बोले दो एक्स बार इज सिग्मा एक्स आई बाय एन, हम इसको 10th स्टैंडर्ड से पहले ही 9th में मिल के आए हैं. तो अब मतलब समझे नीरू सर की स्टाइल में. तो बोले सर ये क्या है, मैं बताता हूँ, सुनो मीन क्या होता है. सपोज हम हैं कौन, बताओ, हम हैं टप्पू, हम हैं सोनू, हम हैं गोली, हम हैं गोगी और हम हैं पिंटू. चलो अब हमने क्या किया, बताया एक पार्टी करी हमने, पार्टी पार्टी. तो ना अभी अपने दोस्तों में ऐसा हिसाब नहीं करते, हम बोलते कि यू नो अभी या कोई एक जना पैसा बढ़ दे, ऐसी सपोज टप्पू पार्टी दे रहा है, टप्पू पैसे बढ़ देगा, सोनू पार्टी दे रही है, सोनू पैसे बढ़ देगी, गोली गोगी जो पार्टी दे रहे हैं वो पैसे बढ़ देगा, कोई फर्क नहीं पड़ता. बट हमने क्या करा है, हम बहुत ईमानदारी वाले हैं, हम ऐसा सोच दिए थे कि हम बोले तो हम जो खर्चा होगा ना उसको डिवाइड बाय 5 कर देंगे. ठीक है, तो अभी मैं तुम्हें बता रहा हूँ, देखना क्या होना है. सीन बहुत प्यारा है, तुम्हें पता ही होगा. टप्पू सपोज स्पेंड्स 200 रुपीज ऑन ईटिंग, टप्पू का बिल 200 है, से सोनू इज ऑफ 150, शी ईट्स. फिर बोले गोली, अब सबको पता है गोली क्या खाएगा और गोगी क्या खाएगा. तो बोले गोली ने तो जो खाया है वो 500 रुपए का है. अरे सर यार ये गोली है बेटा, मैं क्या कहूँगा, गोली है. ठीक है, गोगी ने भी 150 का खाया था, चलेगा क्या, ईजी लग रहे, पक्का, बोलो बोलो बोलो. बोले और पिंटू बोले मेरे को फास्ट है, मैं नहीं खाया. सर क्या बात है, अरे नहीं वो फास्ट वास्ट नहीं है, समझो उसने दूसरों में से शेयर करके खा लिया, उसने खुद का कुछ नहीं. मेरे तो दोस्ती में भी क्या होता है पता है, या तो मैं आपको बता रहा हूँ, इन बच्चों ने मिलके 200, 150, 350, 350, 500, 850, 850, 1000 रुपए खर्च किए हैं. तो 1000 रुपीज टू बी शेयर्ड बाय 5 पीपल, 1000 रुपीज टू बी शेयर्ड बाय 5 पीपल. तो बोले तो 200 रुपए सबको भरने पड़ेंगे. तो बोले तो सबसे स्मार्ट तो टप्पू हुआ, 200 का खाया 200 का भरा. सबसे दुखी पिंटू होगा, खाया पिया कुछ नहीं, 200 रुपए दिया एक्स्ट्रा, तो इट्स एन एवरेज. बोले तो सोनू और गोगी 150 का खा के 200 भर रहे, इट्स एन एवरेज. और गोली सबसे सुखी, बोले तो 500 का खा के 200 भर रहे. बट वेट वेट वेट, ये एग्जाम्पल को साइड में रखेंगे अभी. बट यस, आई जस्ट टॉट यू के मीन क्या होता है, आई जस्ट टॉट यू के मीन क्या होता है. तो मीन होता है नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस और सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. पक्का पक्का, मस्त, बढ़िया, प्यारा है. चलो तो बोले तो 2+3+2+4+3+2+5 लग गया टोटल. तो बोले 2+3+2+4+3+2+5 डिवाइड बाय 7 डिवाइड बाय 7 60 दिन थे. तो 2+3 5 5+2 7 7 4+11 11+3 14 14+2 16 16+5 21 बाय 7 आंसर इज 3, एवरेज इज 3. पक्का पक्का. अब समझो ये एक दुनिया का पहला तरीका है एवरेज निकालने का, मीन निकालिए. अब दूसरे तरीके पे आते हैं, इट इज कॉल्ड मोड. तो मीन होता है एक एवरेज, मोड होता है मोस्ट पॉपुलर नंबर, यू नो मोस्ट पॉपुलर नंबर, या सादी भाषा में बोले तो मोड इज हाईएस्ट रिपीटेड नंबर, हाईएस्ट रिपीटेड नंबर, हाईएस्ट रिपीटेड नंबर. तो कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा बार रिपीट है, वो हमारा मोड होता है. पक्का पक्का. दुनिया के बोले तो यू नो दुनिया के अलग अलग लोगों के अलग अलग ख्याल जैसे होते हैं, जैसे सबके फिंगरप्रिंट अलग अलग होते हैं, सबकी चॉइसें अपनी 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 होती हैं, तो उसी तरह से स्टैटिस्टिक्स में भी बहुत सारे अलग अलग मैथड होते हैं. तो मीन होता है एक एवरेज. मोड क्या होता है, तो मोड होता है कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा बार रिपीटेड है. यहाँ 2-3 टाइम्स है, या 2, आई से 2 इज द 3 टाइम्स. पक्का. और फिर 3 दो बार है, 4 एक बार है, 5 एक बार है. तो मैं समझ चुका हूं कि यहां 2 सबसे ज्यादा बार रिपीटेड है, तो मोड इज 2. पक्का, श्योर, अंडरस्टूड. और एक दुनिया का दूसरा मेथड होता है, तो बोले तो मीडियन इज द सेंटर नंबर, यू नो सेंटर नंबर, अ नंबर व्हिच इज ऑन एग्जैक्ट सेंटर ऑफ द डेटा. मीडियन इज अ नंबर व्हिच इज ऑन एग्जैक्ट सेंटर ऑफ द डेटा. पक्का, डेटा का बिल्कुल बीचों बीच जो नंबर होता हो उसे हम मीडियन कहते हैं. श्योर, तो अब हम देखेंगे यहां. तो बोले तो मीडियन के लिए पहले नंबर्स को अरेंज करना पड़ेगा, सो दैट वी कैन फाइंड अ सेंटर. 2 इज देयर 3 टाइम्स, तो 2 2 2, देन 3 इज देयर 2 टाइम्स, ओके, देन 4 इज देयर, देन 5 इज देयर. हो गए सारे नंबर अरेंज. पक्का,
चलो तो 2 इस साइड कैंसिल, 5 इस साइड कैंसिल, 2 इस साइड कैंसिल, 4 इस साइड कैंसिल, 2 इस साइड कैंसिल, तो 3 इस साइड कैंसिल. सो द सेंटर नंबर इज 3. बोलो द सेंटर नंबर इज 3. सेंटर नंबर इज 3. तो आंसर मिल चुका है. तो मीडियन इज 3. सर हम समझ गए, हमको मीन मीडियन मोड पक्का याद आ गया. हाँ तो बोले दो, इसी के लिए तो आपको ये रिवीजन कराया. सर तो हमने आज क्या क्या सीखा? हमने ऐसा सीखा कि बोले तो स्टैटिस्टिक्स में बोले तो ये हम सब्जेक्ट क्यों पढ़ रहे हैं, तो हम आज सारी दुनिया में जहां देखेंगे वहां नंबर्स को ही पाएंगे, हमें हर जगह नंबर्स ही मिलेंगे, तो नंबर्स की स्टडी इज स्टैटिस्टिक्स. पक्का? बोले तो आने वाले सालों में ये एक डिटेल सब्जेक्ट होने वाला है. तो आने वाले सालों में सब्जेक्ट तो बाद में बनेगा, पहले हम इसको एज अ चैप्टर सीख रहे हैं. तो 9th स्टैंडर्ड के चैप्टर में हम सीख के आए थे कि कलेक्ट कैसे होता है डेटा, फिर उसका टेबल कैसे बनता है वो सीख लिया. तो बोले तो फिर हमने देखा था कि दुनिया में 3 मेजर होते हैं, मीन मीडियन मोड, वो भी हम 9th स्टैंडर्ड में सीख के आए हैं. पक्का? मस्त है, ईजी है, श्योर, अंडरस्टूड. अब ऑल ऑफ यू, मैंने आपको जो डेटा की अलग अलग टाइप्स बताए तो वो होते हैं क्वेश्चन रिप्रेजेंटिंग वेज. सो बोले तो इन अ क्वेश्चन यू कैन बी गिवन ओनली एक्स आई. ओके, व्हेन यू आर गिवन ओनली एक्स आई यू कैन कॉल दिस रॉ डेटा. तो इसका मीन, मीडियन और मोड जो अपने निकालना था, इट इज डन इन 9th स्टैंडर्ड. पक्का? हो चुका. फिर होता है यू नो एक्स आई एंड एफ आई, दिस इज ओके अनग्रुप्ड डेटा, बट इट इज क्लासिफाइड डेटा व्हिच इज स्टिल अनग्रुप्ड. ग्रुप नहीं बनाए हैं हमने, इसके क्लासेस नहीं बनाए, एक्स आई और एफ आई बनाया है. तो इसका बोले तो मीन, मीडियन एंड मोड का थोड़ा नॉलेज तो बोले 9th स्टैंडर्ड में आ गया था, पार्ट में हमने करा था. ठीक है, ओके, अंडरस्टूड. बोले तो ऑलमोस्ट सारा ही किया था, पार्ट तो बोलना चाहिए, अभी आगे उसका रिवीजन ही करने वाले. एंड यस, क्लासेस एंड एफ आई, तो बोले क्लासेस एंड एफ आई, जो इस तरह का एक क्वेश्चन अपने पास आने वाला है, तो बोले इस तरह के क्वेश्चंस के लिए अब मीन, मीडियन और मोड वी आर गोइंग टू सी इन 10th स्टैंडर्ड. पक्का? अंडरस्टूड, समझ पड़ गया? पक्का? तो बोले दो इस चैप्टर में हम मीन, मीडियन और मोड ढूंढना सीखने वाले हैं फॉर क्लासेस. पक्का? श्योर, फाइन. नाउ बिफोर आई कंक्लूड विद दिस सेशन एंड आई शल सी, अब हम क्या करने वाले, मैं बताता हूँ. आने वाले क्लासेस में, आने वाले वीडियोस में आप मेरे साथ मीन सीखोगे, मीडियन सीखोगे, मोड सीखोगे फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस. ठीक है, मुझे आपको 10th स्टैंडर्ड में हम ये स्टार्ट करें उसके पहले 9th स्टैंडर्ड का मीन, मीडियन, मोड थोड़ा रिकैप कराना था, दैट आई हैव ऑलरेडी डन. पक्का? अब मैं आपको बताता हूँ कि व्हेनेवर यू स्टडी, आई सेड व्हेनेवर यू स्टडी, यू हैव टू सी that you understand the thing conceptually. You know, if you understand the thing conceptually, if you know कि ये चीज़ ऐसा है, but आप ये जानते हैं ये चीज़ ऐसा क्यों है. I said जब आप ये जानते हैं कि ये चीज़ कैसा है, it's a good thing. But अगर आप ये जानते हैं कि ये चीज़ ऐसा क्यों है, so it helps you to learn practical from that, और practical life में वो चीज़ आपको बहुत काम आता है. पक्का? Sure? अंडरस्टूड. तो बोले तो हमने मीन, मीडियन, मोड का मीनिंग सीख लिया है. मीन, मीडियन, मोड क्या होता है हमें पता चल चुका है, स्टैटिस्टिक्स क्या होता है हमें पता चल चुका है. तो अब हम आज के इस क्लास का कंक्लूजन नेक्स्ट क्लास के श्री गणेश के साथ करेंगे. सर ये क्या हो गया? हाँ बिल्कुल, अपने पास बोले तो हम नेक्स्ट क्लास में मीन का टॉपिक के प्रैक्टिकल सम करना स्टार्ट करने वाले हैं. तो आज के इस क्लास में हम मीन की थ्योरी और मीन का बेसिक फॉर्मूला सीख के इसको कंक्लूड करेंगे. पक्का? सो ऑल ऑफ यू नाउ टेक आउट योर नोटबुक एंड स्टार्ट राइटिंग विथ मी. इट इज चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक्स. ओके, बोले तो टॉपिक 1 मीन, टॉपिक 1 इज मीन. पक्का? तो लिखना स्टार्ट करेंगे मेरे साथ. मीन क्या है, लेट अस स्टार्ट. बोले तो मीन ऑफ अ डेटा
is defined as, mean of a data is defined as sum of all the observations divided by number of observations. Divide by number of observations. Mean of a data is defined as sum of all the observations divided by number of observations. So bole to it is denoted by x bar. It is denoted by x bar. ठीक है, ये बार का जो साइन है वो मीन का साइन है. वी नोट द डेटा इज एक्स, तो बोले एक्स बार इज मीन. वी नोट द डेटा इज एक्स, तो एक्स बार इज मीन. पक्का. इफ वी नोट द डेटा इज वाई, सो वाई बार इज मीन. इफ वी नोट द डेटा इज ए, तो ए बार इज द मीन. इफ वी नोट द डेटा इज डी, तो बोले तो डी बार इज द मीन. पक्का पक्का, श्योर, क्लियर. तो बोले तो एक्स बार इज summation is sigma, also you call this summation xi by n, n is number of observations. Pakka, itna aapko aata hai? Theek hai, okay. Ab hum iske basis pe ek formula develop karenge. See, xi and fi, I said xi and fi. ये क्वेश्चन आपका 10th स्टैंडर्ड में सिर्फ एक ही इलस्ट्रेशन है, हम उसको फटाफट से कवर कर रहे हैं और आप इसके साथ मेरे साथ कंटिन्यू करेंगे और इसको हम फटाफट से सॉल्व करेंगे. सी, दिस इज़ योर 10th स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक ऑफ गुजरात बोर्ड एंड एनसीईआरटी. तो बोले तो हम उसको ही यूज़ करने वाले हैं हमेशा से. ये रहा वो एग्जाम्पल वन आपके पास है. मैं ये एक्सआई एफआई वाला क्वेश्चन सॉल्व करा के आपको इस क्लास में कंक्लूड करवा दूंगा. फाइन. सी, the marks obtained by 30 students of class 10th of a certain school in mathematics. तो बोले paper consisting of 100 marks are presented in the table. 100 में से कोई बच्चा कितने marks लाए वो बताए है. Find the mean marks obtained by all students. ठीक है, तो अभी अपने क्या करेंगे, marks is xi. तो बोले तो it is 10, 20, 36, 40, 50, 56, 60, 70, 72, 80, 88, 92, 95. पक्का पक्का. तो बोले तो अपने फटाफट से एक्स आई के वैल्यू नोट कर लिए हैं. एफ आई क्या दिखाता है, कि कोई नंबर कितनी बार रिपीटेड है. तो इट इज़ 1, 1, 3, 4, 3, 2, 4, 4, 1, 1, 2, 3, 1. सो यू नो दिस इज द डेटा अबाउट 30 स्टूडेंट्स. नाउ this is example 1 from page number 261. It is example 1, page 261. ठीक है, पक्का. ये this is xi fi is known to you. अब इस सम का पहला स्टेप ये होता है, तो समझ लीजिए अगर इसको हम अपने रॉ डेटा फॉर्म में कन्वर्ट करें तो 10 is 1 times, 20 is 1 time, 36 you have to write 3 times, 40 is 4 times, तो 40 को 4 बार लिखेंगे और उस तरीके से आप ये सम कर सकते हैं. But no need to do it that way. We'll make it this way. See, एकदम easy है. How many numbers are there that you can know as sigma fi? पक्का. ऐसे तो question में बताया कि data is about 30 numbers. तो हम इसका total 30 लिख भी सकते हैं. But we'll check it. 1 and 1, 2, 2 and 3, 5, 5 and 4, 9, 9 and 3, 12, 12 and 2, 14, 14 and 4, 18, 18 and 4, 22 and 1, 23, 1, 24, 24 plus 2, 26, 26 plus 3, 29 and 1 is 30. Okay, in this type of sums, as the only working, we have to work out fi into xi. So, you know, what is fi xi showing? 10 is there one time, so it is 10. 20 is there one time, so it is 20. 36 is there three times, so 36 is 18 and 1, 33 is 9, 9 and 1 is 10. So, 36 into 3 is 108. 14 to 4 is 160. 15 to 3 is 150, 56 into 2, to bole 6 2s are 12, 1 carry and it is 112, 16 to 4, bole 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 bole, 16 to 4, 240, 17 to 4, 280, 72 into 1 is 72, 18 into 1 is 80, 88 into 2, sorry, aap sikhaoge ke itna fast kaise karne ka, beta it's a practice, you have to do it, 88 into 2, to bole to 176, 92 into 2, 92 into 3, it's sorry, it's not 2, it's 92 into 3, Come on, so 2 3s are 6 and 9 3s are 27. So 276 and 95 into 1 is 95. Pakka, must
इजी, समझ पड़ा? तो बोले तो बस इसका टोटल लगाइए तो हम इस सम को कंप्लीट कर लेंगे, फटाफट से टोटल लगा लेते हैं. तो बोले तो 8 and 2, 10, 12, 12 and 6, 18, 18 and 6, 24, and 5 is 29, 2, 3, 4, 5, 5 and 6, 11, 5 is 16, 17, 17, 21, 21 and 8, 26, 36 and 8 is 44, 44 and 7, 51, 58, 58 and 9. बोले 58 and 9 is 67, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17. So I got sigma fi xi as 1779. You know, sir, आप पास में से ही देख लेते नजर, आपने क्यों वर्कआउट करा? नहीं बेटा, हम चीटर नहीं है, हम अच्छे से हर चीज को अपने आप कैलकुलेट करते हैं, पक्का. तो बोले 1779 इज द टोटल ऑफ सिग्मा एफ आई एक्स आई. सो फॉर दिस टाइप ऑफ सम्स, फॉर्मूला ऑफ मीन इज सिग्मा एफ आई एक्स आई बाय सिग्मा एफ आई. सो इट इज 1779 डिवाइड बाय 30, पक्का. तो बोले 3 स्टेबल टू 17, बोले तो 5 टाइम्स इट इज 15, पक्का पक्का. 2 विल गो टू द नेक्स्ट नंबर, सो 27 को दैट टेबल इज 9 टाइम्स, पॉइंट लग जाएगा क्योंकि 0 है, एंड 9 को 3 का टेबल इज 3 टाइम्स, तो 59.3, पक्का पक्का, मस्त, इजी. तो बोले तो 59.3 इज अवर आंसर. यू कैन सी टेक्स्ट बुक में भी आंसर 59.3 है. तो अपना लास्ट लाइन होगा, तो बोले तो देयरफॉर मीन मार्क्स आर 59.3. यू नो इट इज आर मार्क्स डेटा, बोले तो मार्क्स बताए थे अपने को, मार्क्स ऑब्टेंड. तो अपने लिख दिया मीन मार्क्स आर 59.3, पक्का पक्का, बहुत बढ़िया. तो बोले तो आज के इस क्लास में आपको 10 स्टैंडर्ड स्टैटिस्टिक्स से इंट्रोड्यूस कराने में और फिर ये फर्स्ट सम कराने में बहुत मजा आया. तो बोले आने वाले क्लास में आगे बढ़ेंगे, तब तक के लिए सी यू, बाय बाय.